गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको आज मानचित्र में दिशा का ज्ञान हम बताएंगे कि मानचित्र में आप दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए वो मानचित्र आपका जो है दीवार पे भी टंगा हो सकता है, किसी भी दीवार पे टंगा हो सकता है, आपके पुस्तक में भी मिल सकता है, तो आप उसको उस मानचित्र में जो है आप दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे उसके बारे में। अब देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ दीवार पे ये आपका मानचित्र टंगा हुआ है, दीवार पे ये मानचित्र आपका टंगा हुआ है, तो मानचित्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए सबसे जो बढ़िया चीज है उसको जानिए कि मानचित्र में ऊपर का हिस्सा इसमें ये है, ऊपर का हिस्सा ये है, तो ऊपर का हिस्सा जो है हमेशा क्या होता है, उत्तल होता है, और नीचे का हिस्सा जो है दक्षिण होता है, और दाहिने तरफ आपके जो दाहिना हाथ होगा उधर जो है आपका पूरब होगा, पूरब दिशा। अब बाएं तरफ जो है क्या होगा, पश्चिम दिशा। अब इस मैप को आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में मैप उत्तर तरफ के दीवार पर हो, आपका मैप किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन आपको जो मैप देखना है उस मैप में हमेशा ऊपर का हिस्सा जो है उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है, और दाहिने तरफ पूर्व दिशा होता है, और बाएं तरफ पश्चिम दिशा होता है। आप जैसे दिशा का ज्ञान करने के लिए सुबह के समय में जब सूरज के सब मुंह करके खड़े होते हैं तो सामने का हिस्सा आपका पूर्व होता है, पीछे के हिस्से के तरफ जो है पश्चिम होता है, और दाहिने तरफ आपके दक्षिण होता है, और बाएं तरफ आपके जो है पश्चिम होता है। उसी तरह से इसमें ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण दाहिने पूरब बाएं पश्चिम दिशा होता है, मैं इस तरह से हम देखते हैं। एक रोचक जानकारी, अब कहेंगे कि समुद्र में जो नाविक चलते हैं, पानी के जहाज चलते हैं, तो वहां तो दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है, वो तो कैसे करते हैं, तो नाविक या पानी के जहाज जो चलते हैं उन लोगों के पास एक कंपास घड़ी होती है। कंपास क्या होती है, घड़ी, इसका नाम है कंपास। इस घड़ी में केवल एक सुई होती है, कंपास में कितनी सुई होती है, केवल एक सुई। इस घड़ी की विशेषता यह है कि इस घड़ी को आप किसी भी दिशा में घुमाएंगे लेकिन इसकी सुई हमेशा जो है उत्तर दिशा की ही तरफ होगा। अब घड़ी को घुमाते रहेंगे लेकिन सुई उसका नहीं घूमेगा, सुई हमेशा जो है उत्तर दिशा को ही संकेत करता है। इसी संकेत के आधार पर पानी के जहाज या नाविक नावें जो होती हैं समुद्र में वो लोग अपनी यात्रा करते हैं। तब तक के लिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत